का ये अजमेर शरीफ का नज़ारा है जो तूफान के यहाँ पर एंट्री हुई थी, यानी कि खाली एक फीट डेढ़ फीट यहाँ पर पानी भर जाता है, आँखों पर आ जाता है। तो उसके साथ में जो पानी के जानवर होते हैं जैसे कि पानी वाले सांप वगैरह, तो लोग आ जाए हम दोस्तों अजमेर शरीफ के अंदर। और अजमेर शरीफ में जो अभी आने वाले तूफान का असर किस तरह का रहा, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अजमेर शरीफ में जो अभी तूफान आने का था राजस्थान के अंदर, उसका असर किस तरह अजमेर शरीफ में देखा गया, पूरा नज़ारा मैं आपको बताने वाला हूँ। हम आपके साथ जो है चौपाटी के आसपास की वीडियो, आनंद सागर चौपाटी के आसपास की वीडियो शेयर करने वाले, किस तरह आनंद सागर चौपाटी के आसपास में जो नज़ारा रह चुका है जो अभी तूफान आने का था, तूफान का जो असर जो है वो अजमेर शरीफ में किस तरह का रहा है, वो पूरा आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप अगर वीडियो पर आ गए तो वीडियो पर बने रहें, वीडियो को जरा से स्किप ना करें और वीडियो को आगे दोस्तों में शेयर करें ताकि अजमेर शरीफ में किस तरह जो तूफान आया है उस तूफान का असर किस तरह अजमेर शरीफ में देखा गया। आप देख सकते हैं कि रोड के ऊपर, सड़कों के ऊपर जो यहाँ पर पानी भरा हुआ है, जगह जगह जो है जाम लगा हुआ है। इस जाम से निकल के हम जो है आपके पास बिल्कुल आनंद सागर चौपाटी के जो पास का एरिया है वहाँ पर जितना कितना किस तरह का जो है नज़ारा, किस तरह यहाँ पर पानी भर जाता है, ये पूरा आपको दिखाने वाले हैं। क्योंकि अक्सर करके यहाँ पर जो आनंद सागर की चौपाटी के आसपास का रोड है वहाँ यहाँ पर इसी तरह का पानी भर जाता है, क्योंकि ये निचला इलाका है और जो है झील का पानी काफ़ी तादाद में ऊपर है, तो उसका पानी अक्सर करके बरसात आती है इसी तरह सड़कों पर आ जाता है। ये एक नॉर्मल सी बात है, मगर देख सकते हैं आप कितना यहाँ का ये नज़ारा है। कम से कम यहाँ पर बताया जाता है कि 1 से 1.5 फुट करीब पानी रोड पर सड़कों पर आ जाता है और काफ़ी अच्छा नज़ारा ये इस टाइम यहाँ पर नज़र आता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम खुद झील में खड़े हुए हैं। चलिए हम चलते हैं आगे और आपको पूरा यहाँ का नज़ारा कराते हैं किस तरह आनंद सागर चौपाटी के आसपास में नज़ारा होने वाला है और तूफान का कैसा असर रहा अजमेर में। जब तूफान ने के एंट्री तो नहीं, मगर ये कहाँ तूफान की झलकी अजमेर में देखी गई और देख सकते हैं उसका कुछ इस तरह का नज़ारा है जो आपके सामने आनंद सागर झील के चौपाटी के पास का। आप देख सकते हैं सड़कों पर यहाँ पर पानी भरा हुआ है और कम से कम 1-1 फीट 1.5 फीट यहाँ पर पानी भर जाता है। आपको पूरा नज़ारा मैं अभी आपको कराने वाला हूँ। ये देखें आप कितनी बड़ी ये सड़क है, सड़क के ऊपर टोटली ही पानी भरा हुआ है, झील और सड़क का कुछ पता नहीं चल रहा कि कहाँ झील और कहाँ सड़क, ऐसा लग रहा है कि हम खुद झील के अंदर खड़े हुए हैं। इसी तरह का ये अजमेर शरीफ का नज़ारा है जो तूफान के यहाँ पर एंट्री हुई थी, यानी कि खाली तूफान आया नहीं मगर तूफान का एक एहसास यहाँ पर हुआ और बरसात वगैरह हुई, उसका ये नज़ारा है चौपाटी से हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत मंजर ये लग रहा है, जैसे कोई हम खुद झील के अंदर खड़े हुए हैं। और बताया जाता है कि जब ये झील का पानी जब ऊपर आ जाता है, सड़कों पर आ जाता है, तो उसके साथ में जो पानी के जानवर होते हैं जैसे कि पानी वाले सांप वगैरह, तो लोगों से ये पता चला कि उनको भी यहाँ पर देखा जाता है सड़कों पर। मगर ऐसा कुछ नहीं कि आज तक किसी को भी ऐसा कोई नुकसान की तो कोई ऐसी बताया नहीं गया कि भाई किसी को नुकसान पहुँचाओ। हाँ, बहरहाल ये है कि जो झील के जो जानवर होते हैं, यानी कि जो सांप वगैरह होते हैं झील में से आनंद सागर झील के अंदर पानी वाले सांप, वो इस सड़कों पर ज़रूर आ जाते हैं पानी के साथ साथ। मगर जैसे जैसे पानी उतरता है वैसे वो जानवर भी जो हैं वो पानी के अंदर उतर जाते हैं। और देख सकते हैं आप, ये हम अजमेर शरीफ से आपको दिखा रहे हैं अजमेर शरीफ में किस तरह तूफान का असर देखा गया है और किस तरह यहाँ पर अजमेर शरीफ में बरसात हुई है। तो आपको ये वीडियो अजमेर शरीफ से कैसा लगा आप कमेंट करके जो बताना, और आप मेरे चैनल पर किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट करें, क्योंकि मैं अजमेर से अक्सर करके मार्केट और मज़ारों से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कराए तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये आनंद सागर झील की वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं आपके आगे भी इसी तरह की वीडियो लेकर आ सकूँ।